द अल्टीमेट चैनल में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, जैसे कि इंसानों को कुछ चीज़ों में बुरा लग सकता है, वैसे ही आपके दोस्त पेट्स को भी बुरा लग सकता है। तो आज हम 10 ऐसी चीज़ें बताएंगे डॉग्स के बारे में, या आप जो चीज़ करते हैं अपने डॉग्स के साथ कि आपके डॉग्स को बुरा लग सकता है। पहली चीज़, उसको पास बुला के धोखा देना। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आप अपने डॉग को जब खाना देते हैं तब आप कोई कमांड यूज़ करते हैं। मान लो आज जब खाना देना होता है डॉग को, तब आप बोलते हैं ये ले या फिर कम। पर दोस्तों, जब हमको उसको कमरे में बंद करना होता है, नहलाना होता है या फिर लीश बांधना होता है, तब भी हम सोचते हैं कि उसको हम अगर ये ले बोलेंगे और कम बोलेंगे तो वो खुश होके आ जाएगा। उसको लगेगा हम खाना दे रहे हैं पर हम चुपके से उसको लीश बांध देंगे या फिर कमरे में बंद कर देंगे। पर दोस्तों, जब आपके डॉग को धोखा मिलता है, वो खाने के लिए आता है और उसके बाद उल्टा हो जाता है, तो उसको हर्ट होता है। नंबर 2, आप अपने डॉग को जाने अनजाने में हर्ट करते हैं, वो है कि जब आपका डॉग आपके पास आता है, आपके पास आके बैठता है, आपको देखता है, तब आप उसको भगा देते हैं। शू शा करके, छू करके आप भगा देते हैं, चल जा या से, हट या से करते हैं आप, तो उनको हर्ट होता है क्योंकि वो कुछ उम्मीद लेके आपके पास आया है। उसको प्यार कीजिए, उसके अपने साथ बिठाइए, उसको गोद में बिठाइए, उसको आप बाल संवारिए, उसके साथ खेलिए, पर हम उसको भगा देते हैं तो उसको ऑब्वियसली हर्ट होता है। तीसरा रीज़न है आपके डॉग के हर्ट होने का कि हम लोग उसको टीज करते हैं। हम लोग उसका पूंछ खींचते हैं, उसके नाक में फूंक मारते हैं या फिर उसके ऊपर चढ़ के सवारी करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें डॉग को जाने अनजाने पसंद नहीं आती, तो उसके साथ कोई ऐसी चीज़ मत कीजिए जो उसको अनकम्फर्टेबल लगे या फिर उसको पसंद ना हो। चौथा रीज़न जो आपका डॉग हर्ट होता है, वो है उसका प्रॉपर ख्याल ना रखना या फिर उसके ऊपर ध्यान ना देना। मान लीजिए आपके डॉग के कान में कुछ एलर्जी हुआ है, उसके टिक्स हुआ है, वो बीमार है, उसको बुखार हुआ है, उसको कुछ दिक्कत है, पेट में गैस हो रही है, गड़बड़ है, पर आप उसके प्रति कोई भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपका डॉग हर्ट होगा। पांचवा रीज़न आपका डॉग जब हर्ट होता है, वो है कि खाते टाइम उसके खाने को हटा देना। मान लीजिए वो खाना खा रहा है डॉग, उस समय आप पीछे से उसको खींच रहे हैं या फिर उसके खाने का बाउल हटा दे रहे हैं या फिर उसको उसकी पोजीशन से हिला दे रहे हैं, तो वो आपका डॉग हर्ट होता है क्योंकि खाना खाते टाइम वो उसका बिल्कुल पर्सनल मोमेंट होता है, वो बिल्कुल पर्सनल स्पेस होता है जिसमें वो नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति, उसका मालिक भी क्यों ना हो, वो इंटरफियर करे, क्योंकि उस टाइम वो पूरा ध्यान सिर्फ अपने खाने में लगाना चाहता है। और उस टाइम अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हैं तो कभी कभार कुछ डॉग एग्रेसिव भी हो जाते हैं। छठा रीज़न है जब आप अपने डॉग को हर्ट करते हैं, वो है वॉक के टाइम जब वो पूप कर रहा होता है या फिर सुसू कर रहा होता है, तो आप जल्दी जल्दी भगाने की कोशिश करते हैं उसको या फिर उसको खींचते हैं। उसको जो कर रहा है आराम से करने दीजिए, ये उसका वक्त है, ये उसका टाइम है, वो नीचे गया है कुछ करने के लिए, सूंघने के लिए, पार्टी करने के लिए, तो उसको करने दीजिए। मान लीजिए आप पार्टी के लिए गए हो और आपके पापा ज़बरदस्ती आपको खींच खींच के लेके आ रहे हो, जब आप जो मोमेंट आप सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो उसी टाइम आपके पापा आपको खींच के ले आए, तब कैसा लगेगा आपको, कितना बुरा लगेगा। वैसे ही अगर आपका डॉग पूप कर रहा है, सुसु कर रहा है, कुछ सूंघ रहा है, तब आप उसको खींचो तो उसको बहुत बुरा लगता है। सातवीं जो चीज़ आपके डॉग को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, वो है उनको पनिश करना। मान लीजिए आपके डॉग ने कुछ किया और आप उसके बाद उसको मार रहे हो, डांट रहे हो, तो आपका डॉग डर ज़रूर जाएगा पर उसको पता नहीं लगेगा कि आप कैसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि पनिशमेंट डॉग को समझ नहीं आती कि वो किस लिए मिल रही है। पनिशमेंट मिल रहा है ये तो समझ में आता है, पर क्यों मिल रहा है, किस रीज़न से मिल रहा है, ये उनको समझ नहीं आता है। उनको सिर्फ प्यार समझ में आता है कि इस काम के लिए मुझे ट्रीट मिला, इस काम के लिए मुझे ट्रीट नहीं मिला, पर उसको पर उसको पनिश क्यों किया जा रहा है, ये आपके डॉग को समझ नहीं आता, वो सिर्फ उनको हर्ट करता है।
आठवां रीज़न है डॉग के हर्ट होने का कि उनको कोई मेंटल स्टिमुलेशन नहीं मिल पाता। मान लीजिए आपका डॉग पूरे दिन घर में रहता है, कोई एक्टिविटी करने को नहीं है, बस पड़ा है आपका डॉग, तो वो हर्ट होगा क्योंकि वो पूरा दिन बोर ही होता है। ना आप उसके साथ खेलते हो, ना आप उसको नीचे लेके जाते हो, ना आपने उसको कोई टॉय दिया हुआ है खेलने के लिए, ना दूसरे डॉग्स उसके साथ खेलते हैं, तो वो पूरा दिन सिर्फ बोर ही होता है और जिसकी वजह से वो हर्ट होता है और कुछ डॉग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। नौवां रीज़न है आपके डॉग के हर्ट होने का कि वो किसी ऐसी पोजीशन में फंस जाता है जो उसको अच्छा नहीं लगता और आप भी उसके साथ नहीं होते। मान लीजिए बारिश के वक्त थंडर स्टॉर्म आ रहा हो, या फिर दिवाली में, या फिर किसी और ओकेजन में, क्रिसमस में, न्यू ईयर में पटाखे फूट रहे हो और आपने उसको अकेला छोड़ दिया है, तो उसको ज़रूर हर्ट होगा। मान लीजिए फायरवर्क्स, बाहर जो फायरवर्क्स हो रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो इस टाइम आपको उसके साथ रहना होता है, उसको दिखाना होता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वैसे तो ज़्यादा टाइम जो चीज़ें पसंद नहीं होती आपके डॉग को, वहाँ से अपने डॉग को लेके आ जाना ही सही होता है, पर अगर बाहरी किसी एनवायरनमेंट में आपका कंट्रोल नहीं होता तो आपको अपने डॉग के साथ खड़े रहना होता है। दसवां रीज़न है आपके डॉग के हर्ट होने का कि उसको प्रॉपर प्ले टाइम नहीं मिल पाता। मान लीजिए आप कहीं बाहर से, ऑफिस से, स्कूल से, कहीं से भी आप आए हो, आपका डॉग आपका वेट कर रहा है गेट पे, आप गेट में घुसे और सिर्फ अपने डॉग के ऊपर दो बार हाथ फेरा और आप अंदर चले गए, उससे आपका डॉग हर्ट हो जाता है। उसको प्रॉपर प्ले टाइम दीजिए। मान लीजिए आप ऑफिस के काम में बिजी है पूरा दिन आप अपने डॉग को प्यार नहीं कर पाए, बस एक दो बारी हाथ फेर दिया, तो ये प्रॉपर टाइम प्ले टाइम नहीं है। उसको प्रॉपर टाइम दीजिए, आधा घंटा, एक घंटा, जितना भी आप दे पाए, पर डेडिकेटेडली वो टाइम उसके लिए होना चाहिए। इसी बीच आपको कोई और काम नहीं करना है, सिर्फ अपने डॉग के साथ खेलना है, इंटरैक्शन करना है। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 10 रीजंस आपको पता लग गए होंगे और ये आप अपने डॉग के साथ नहीं करेंगे। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इंडिया के नंबर 1 पेट चैनल, हिंदी पेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, द अल्टीमेट चैनल। जय हिंद।